കുട്ടി സെൽഫി എടുക്ക അമ്മമ്മ ഞങ്ങൾ സെൽഫി എടുക്കുന്നത് നോക്ക് അയ്യോ അമ്മമ്മ आप इंटरनेट पर कई सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं जिन्हें देखकर कभी आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं तो कभी हैरानी से आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी वायरल वीडियोस होती हैं जो वाकई में अद्भुत लगती है। पर क्या आपने जानने की कोशिश की है कि इन अनयूजुअल वीडियोस के पीछे का सच क्या है? हमें पता है आप में से शायद ही किसी ने वीडियो के तह तक जाने की कोशिश की होगी, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको कुछ ऐसी वायरल वीडियोस के सच से रूबरू करवाते हैं जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। लायन अटैक। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के जंगलों में ये महिला अपने हाथ में राइफल लेकर एक बेहोश शेर के साथ फोटो क्लिक करवा रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी अभी इस शेर को शूट किया है। और इतनी देर में एक और शख्स यहाँ आकर अपनी फोटो शेर के साथ खिंचवाने लगता है, पर जैसे ये जनाब कैमरा सेट करते हैं इतनी देर में न जाने कहां से एक और शेर आ जाता है, जिसे देखकर ही ये लोग भागने लगते हैं। और फिर स्क्रीन में कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन गोली चलने की आवाज आती है। पर जब हम देखते हैं तो शेर को कोई भी चोट नहीं लगी होती। ऐसे में दोस्तों, ये वीडियो इंटरनेट पर आई तो बहुत कम समय में ही वायरल हो गई। हालांकि कुछ लोग इस वीडियो को सच्चा बता रहे थे तो कुछ झूठा। इसलिए दोस्तों, जब वीडियो एनालिस्ट कॉनोर मैकोर्ट से पूछा गया कि ये वीडियो असली है या नकली, तो उन्होंने बताया कि जो शेर दौड़ता हुआ आ रहा है उसकी स्किन काफी सॉफ्ट लग रही है और दूसरे शेर के मुकाबले इसका कलर भी काफी डिफरेंट है, यानी कि वीडियो में मिक्सिंग की गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोग वीडियो को वायरल करने के लिए किस हद तक खुराफात करते हैं। ऑनलाइन मीटिंग। दोस्तों, दुनिया भर में फैले इस महामारी के कारण पढ़ाई से लेकर काम तक हर चीज ऑनलाइन हो गई थी। हालांकि ऑनलाइन सिस्टम के चलते कुछ लोगों को अच्छा लग रहा था, तो कुछ लोगों ने दुनिया के सामने ऑन कैमरा बेइज्जती होने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि यूं तो आप लोगों ने कई सारी ऐसी मीटिंग्स की वीडियोस देखी होंगी जिसमें कहीं कोई अपनी तोंद लेकर चला आ रहा है तो कहीं कोई बिना पैंट के मीटिंग अटेंड कर रहा है। ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसी बीच एक और वीडियो काफी वायरल हुई जहां पर एक महिला जब ऑनलाइन अपना काम कर रही थी तभी पीछे से उनके पतिदेव आ जाते हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से अपना अंग प्रदर्शन करते हैं, जिसे देखकर महिला ये दिखाती है कि इन्हें काफी बुरा लगा और शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला स्क्रिप्टेड था, जहां इन मोहतरमा ने पहले ही अपना कैमरा दूसरे साइड पर रखा हुआ था क्योंकि इन्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वरना नॉर्मली इंसान कैमरे का पूरा फोकस अपनी तरफ करता है। पर इन मोहतरमा को तो वायरल वीडियो बनानी थी, तो परफॉर्मेंस में कमी कैसे रख सकती थी। फास्टेस्ट कैशियर। दोस्तों, हम इंसानों की एक आदत होती है जहां हम बिना सोचे समझे किसी पर भी सवाल उठा देते हैं, और यहां भी कुछ ऐसा ही होता दिखा, क्योंकि अक्टूबर 2016 में एक फास्टेस्ट कैशियर इन द वर्ल्ड नाम की वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुई, जिसमें लोग बड़े सार्केस्टिक तरीके से बहुत ही धीमे धीमे अपना काम करने वाली इस महिला का मजाक उड़ा रहे थे बिना ये सोचे समझे कि इसके पीछे का सच क्या है। असल में ये जो महिला इतनी स्लो स्पीड में काम कर रही है, ये अपनी इच्छा से नहीं कर रही है बल्कि मजबूरी में कर रही है। इस महिला का नाम प्रेमलता शिंदे है, जो हार्ट अटैक और पैरालिसिस स्ट्रोक को झेलने के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में कैशियर के तौर पर काम करती है ताकि अपना खुद का खर्चा चला सके, क्योंकि इनके पति नहीं है और इनका बेटा बाहर रहता है, और यही कारण है कि बीमारी से जूझने के बावजूद ये अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करती हैं। इनकी इस हालत को देखकर हमें तो उन लोगों पर दया आती है जो बिना सोचे समझे वायरल वीडियो को सच समझकर अपना ओपिनियन बना लेते हैं। पर कोई बात नहीं, आज की वीडियो देखने के बाद आप वायरल वीडियो पर अंधा विश्वास करना बंद तो करेंगे। हीरोइक मोमेंट। दोस्तों, कैमरे में कई बार ऐसे पल कैद हो जाते हैं जिन्हें देखकर वाकई में कुछ लोगों पर फक्र होता है, लेकिन हमारे इन्हीं इमोशंस का फायदा उठाकर लोग वायरल वीडियो बनाने से भी बाज नहीं आते। अब जैसे कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, जहां हम ये देख सकते हैं कि ये शख्स अपनी साइकिल लिए लड़खड़ा रहा है और फिर ये अचानक से अपनी साइकिल दूर फेंक देता है और खुद उसी रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से गाड़ी आते देख पीछे खड़े दो वर्कर्स दौड़ते हुए आते हैं, जिनमें से एक कूद कर इसे ट्रेन के नीचे आने से बचा लेता है। अब देखने में ये वीडियो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है, लेकिन हम आपको इसके पीछे का सच बताना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि यहाँ जो साइड में आप धूप देख रहे हैं, यहाँ आपको इस लड़खड़ाते हुए शख्स की परछाई भी दिखेगी और इसे बचाने के लिए आने वाले वर्कर की भी। पर जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो ट्रेन की कोई परछाई यहाँ पर नहीं दिखाई देती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये दो इंसिडेंट अलग अलग तरह से हुए हैं।
लेकिन इन दोनों को एक ही साथ मिक्स कर दिया गया ताकि लोगों को हैरान किया जा सके। मैन राइड्स ऑस्ट्रिच ऑन रोड। वैसे दोस्तों मिक्स एंड मैच का मामला तो यहां भी देखने को मिला, क्योंकि साल 2016 में कजाकिस्तान से एक वीडियो काफी वायरल हो गया, जिसमें कार के डैश कैम में रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में अचानक से ऑस्ट्रिच की सवारी करता हुआ एक शख्स ट्रैफिक के बीच से होता हुआ आगे निकल जाता है। अब भाई इस तरह का कोई मामला सामने आएगा तो लोग उसे पसंद करेंगे ही करेंगे, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिना ये सोचे समझे कि वीडियो असली है या फिर नकली, लोगों ने जमकर फॉरवर्ड दे मारा। वो तो बाद में पता चला कि ये वीडियो केवल एडिटिंग का कमाल है, क्योंकि पहले ऑस्ट्रिच की सवारी करते हुए एक शख्स की वीडियो ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड की गई, और जब वीडियो रिकॉर्ड हुई तो किसी ने छेड़खानी करने के लिए उसी वीडियो का डैश कैम वाली वीडियो में मर्ज कर दिया। पर दोस्तों कुछ भी कहिए, वीडियो एडिटिंग तो कमाल का किया है। अगर ये ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो सामने ना आती तो कोई ये समझ ही नहीं पाता कि ये वीडियो फेक है। अच्छा, क्या आपके पास भी कोई ऐसी फेक वीडियो आई है? अगर हाँ तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि हमारे पास तो इस तरह की खूब सारी वीडियोज आती है और हम उन्हें फॉरवर्ड करने की बजाय अपने फ्रेंड्स के साथ सच्चाई शेयर करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। राइटर लॉबस्टर। अब इस वीडियो को देखकर कोई भी सोच में पड़ जाएगा कि भला लॉबस्टर कैसे गिनतियां लिख सकता है, 2 साल के बच्चे तो ढंग से पेन पकड़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो फेक है। अब वीडियो को देखकर ही पता चल रहा है कि पेन के ऊपर वाला हिस्सा कोई और पकड़े हुए है। हालांकि अभी दूसरी वीडियो भी है जहां पर ये दिखता है कि लॉबस्टर एक छोटी सी पेंसिल से लिख रहा है। तो भाइयों ये वीडियो भी फेक है, क्योंकि इसे बनाने के लिए एक फन पुश नाम के चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया गया। इस ऐप में लॉबस्टर राइटिंग टेम्पलेट होते हैं ताकि लोग इस तरह की वीडियो बना सके। अगर आप चाहें तो आप भी इस ऐप का इस्तेमाल करके अपनी वीडियो बना सकते हैं, जैसे कि इस शख्स ने बनाई है, जहां ये कैमरे के जरिए दिखा रहा है कि कैसे लॉबस्टर इसके सामने चाइनीज में लिख रहा है। लेकिन अब तो आपको पता चल गया ना कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का कमाल है। फेक मीट। दोस्तों माना कि चाइना अपने नकली प्रोडक्ट के लिए बदनाम है, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि चाइना के नाम पर कुछ भी वायरल कर दिया जाए। जी हाँ, अभी कुछ समय पहले एक वीडियो काफी वायरल हुई जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि प्लास्टिक के चावल और अंडे के बाद अब चाइना की मीट भी फैक्ट्री में नकली बनाए जा रहे हैं। अब इसे देखकर तो चाइना विरोधी लोगों ने जमकर वीडियो को फॉरवर्ड किया, बिना सोचे समझे कि ये मीट नहीं बल्कि सिलिकॉन रबर है, जिसका इस्तेमाल तरह तरह के डेकोरेटिव और क्राफ्ट वगैरह की चीजों को बनाने में किया जाता है। यूज टॉर्नेडो। अब दोस्तों आप इस लड़की की ओवर स्मार्टनेस पर नजर डालिए, क्योंकि अगर ये वीडियो सच होती तो हम इसे बेवकूफी कह सकते थे, लेकिन मानना पड़ेगा लड़के ने दिमाग तो लगाया था। जहां इसने वीडियो की शुरुआत में दिखाया कि अपनी कार से टॉर्नेडो की तरफ जा रहा है और फिर उसके पास आते ही अपनी कार रोकता है और अपना कैमरा ऑन करके सेल्फी लेने के लिए उसके और ज्यादा नजदीक आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी सेल्फी पूरी हो जाती है ये तुरंत टॉर्नेडो की चपेट में आने से पहले ही वहां से भाग निकलता है। अब इंटरनेट पर ये वीडियो गई तो खूब वायरल हुई और लोगों ने इस लड़के के बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि ये वाकई में असली डेयर डेविल है। पर हम आपको बता दें कि डेयर डेविल से ज्यादा ये लड़का इंटेलिजेंट है, जिसने पूरी वीडियो ऐसी शूट की कि किसी को भी अंदाजा नहीं हो सकता कि ये वीडियो असली है या नकली। लेकिन अब इन्हें कहां पता कि अगर ये शेर है तो जनता सवा शेर है, तभी तो इनके वीडियो के नकली होने का तब पता चलता है जब ये अपनी सेल्फी लेकर अपनी कार की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं आते टाइम तो इन्हें टॉर्नेडो के पास पहुंचने में काफी समय लग गया था, और फिर वापस कार में लौटने में इतनी कम देर कैसे लगी? और ये कौन सा उसेन बोल्ट है जो टॉर्नेडो से भी ज्यादा स्पीड में भाग रहा है? अब हमें तो नहीं लगता कि केवल सेल्फी लेने के लिए इस हद तक जाएगा। बाकी आपका इस दिमाग को घुमा देने वाले वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।